आप बालों पे क्या लगाते हैं मैंने जैसे पहले बताया कि यार बालों के लिए आपको ख्याल करना पड़ता है uh, मैं छेपा uh, आपको दे रहा हूँ यही है कि एक तो बालों के लिए एक तो बायोटिन खाया कीजिए दर इज़ द फूड विच योर टेक हाई इन प्रोटीन फूड ये आपकी बालों की गजा होती है बायोटिन खाया कीजिए और मल्टी वाइटम्स लें क्योंकि आपकी खुराक से नॉर्मली हम अपनी डाइट से सारे मल्टी वाइटम्स हमें नहीं मिलते जिंक नहीं मिलता बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती गुलर बेसिस पे पेटल फाइव परसेंट लड़के यूज कर सकते हैं टू सी देयर देर रीग्रोइंग बलोची है अच्छा ओके क्या आप कभी रहीमजर खान आए फैन ऑफ डिज्नी मूवीज जी जी बिल्कुल आया जी तो मैं बायर दो तीन दफा कराची टू तो इस्लामाबाद आया हूं तो मैं आ,

दुनिया की असल हकीकत आएगी हाईली रिकमेंडेड अनिश डॉट केज ने कहा ओके um, okay, मोहम्मद बरसा देना तू गाएं, बाद में गाएंगे जी कभी um, की तू सरदार ने पूछा हे सर माइकोसेंस व्हाट वर योर चाइल्ड फ्रेंड यूज्ड टू कॉल इन निक नेम पता नहीं क्या जो बाद जी बा um, मुझे क्या कहा मुझे बचपन से बचपन में मानी कहा जाता था जी मानी तो मैं मेरा ये मेरा निक नेम था मानी और बाल देखें जी मेरे हो गए हैं थोड़े बड़े अब ये कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं तो इनको बांधा जाए अच्छा ओके वैन यू कम टू इंडिया हाउ विल योर इंडियन फैंस मीट यू मैं अगर इंडिया आया तो वी आर कोई मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे और अगर नहीं आया तो फिर हम दुनिया के किसी और खत्ते कोने में मिल लेंगे मिलना ही है ना इमरान अब्बास डॉट स्टफ ने कहा व्हाट्स योर फर्स्ट व्हाट्स योर फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन एम एस जेड डॉट एन वाई सी ने मुझसे पूछा स्विटरलैंड um, Uh, हाँ स्विट्जरलैंड वहाँ मज़ा आता है uh, सलमान एडस को शेख ज़ीरो सेवन ने कहा भाई हैंडसम बनना है कुछ टिप्स बोलो ना प्लीज़ लव फ्रॉम हैदराबाद इंडिया हैंडसम बनना है कुछ टिप्स बोलो ना सबसे पहले तो ये सलमान शेख भाई कि uh, हर किसी के अंदर कोई ना कोई ख़ास इंडिविजुअल बात होती है आप उस चीज़ को पहचानें और uh, उस पर काम करें Uh, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना छोड़ें और uh, अंधाधुंध किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें uh, वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो इल्फ आपको एक अजीब सी खूबसूरती एक अजीब सी कशिश देगा सो जस्ट बी योर सेल्फ एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे फॉर एनी मैन टू लुक हैंडसम हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन मायूसी सम इंसिडेंट्स ब्रेक यू अवान सैमा ने मुझसे पूछा जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर किसी ने आपके साथ कुछ ज़िंदगी में बुरा किया है तो इस उसको माफ कर दीजिए कनेक्टेड ना रखिए अपनी थॉट्स को उसके साथ अल्लाह पे छोड़ दें वो आपका वो डील कर लेगा उसके साथ ठीक है और आगे बढ़िए इन बुरी यादों के साथ आगे ना चलें अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको एक तो देखिए वन साइड मोहब्बत टाइप चीज़ जो होती है ना जिसमें आप कहते हैं कि वो आपके साथ बुरा भी बुरा करता रहे और आप आ, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़रूर जहन में रखिए ठीक है आ, मिलना ना मिलना वैसे पहले एक इंटरव्यू में कहा था वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती लेकिन हाँ मोहब्बत करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि वो इंसान मोहब्बत के काबिल है कि नहीं दूसरी बात ये कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता तो अगर आपको इस वक्त में कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है या पौधा कर रही है आप ये सोचेंगे कि ये कितनी देर की है इसे ख़त्म ही हो जाना है और इस वजह से इसकी परेशानी में आप जो ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये दोबारा आपके पास नहीं आएगा हर किसी के पास बहुत ही कलील और बहुत ही कम वक्त है इस दुनिया में सो so, उस वक्त को ज़ाया ना कीजिए कल पता नहीं होती है कि नहीं होती हर किसी की लाइफ एक सर्टन टाइम के लिए है बड़ी कैलकुलेटेड है तो इतना मत सोचें बस परेशान होने का हमारे पास वक्त है ही नहीं इस दुनिया में तो मायूसी मत रखी है ज़िंदगी में मायूसी तो वैसे ही कुफर है और मेरा ख्याल है कि किसी भी बिलीवर uh, को जो अपने रब पे यकीन रखता है उसके लिए मायूसी तो होनी ही नहीं चाहिए ठीक है uh, ये सवाल पूछा था जी मैंने बता दिया किसने मुश्किल नाम है थोड़ा सा अमीर खान ने पूछा वट इज़ योर ओपिनियन ऑफ बींग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आई थिंक आई एम आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लेकिन हम जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं हमें उस मुल्क के लिए सिंसेयरली सोचना चाहिए और इवेंचुअली uh, हमें यह भी एक थॉट थाट आती है कि पूरी कायनात पूरी सारी दुनिया का एक खत्ता जो है वो अल्लाह ने बनाया है और ये सारी दुनिया हमारी ही है ये मदर अर्थ जो है ना इसको हमने इसे प्यार करना है दुनिया का कोई भी कोना आप कहीं भी जाएं आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना आप ये नहीं कि आप किसी मुल्क दुनिया कोने में चले गए किसी मुल्क में चले गए और वहां आप उसको वहां गंदगी फैला रहे हैं या वहां आप वहां के वाटर एज का ख्याल नहीं कर रहे हैं या वहां की एनवायरमेंट का ख्याल नहीं कर रहे हैं। सारी दुनिया जो है ना वो अल्लाह की बनाई हुई है एंड आई एम आई एम सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ बी पाकिस्तानी एंड मुझे दुनिया में अगर कोई पाकिस्तानी कहता है तो मुझे फ़ख्र होता है इसलिए कि हम एक बहुत प्यारी कौम है और अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं लेकिन हां बस अल्लाह करे कि हमारे अंदर से बेहस ही थोड़ी सी कम हो जाए जो कि अब ज्यादा बढ़ती जा रही है और एक्सट्रीमिजम सेमी अंडर स्कोर जीरो वॉज लाइफ एवर इजी बीन थ्रू इटल नाउ नो नो इट्स बीन रियली टफ एट टाइम्स बट वो हमें सिखाता बहुत है वो सब कुछ और ये जो सख्तियाँ आती हैं और ये वक्त जो होता है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए लेकिन ज़िंदगी हमेशा मेरे लिए आसान नहीं रही है सिमी ओके फेवरेट प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान एम डॉट हुरैन डॉट ज़ीरो सेवन ने कहा uh, वैसे मुझे uh, अगर वेकेशन के लिए मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे uh, रोम भी बहुत अच्छा लगता है इटली क्योंकि वहाँ आर्किटेक्चरल Um, जो एक उसकी जो एक वो है ना एक वैल्यू उसकी वजह से और वहाँ जो आर्ट um, वर्क है और वहाँ के जो म्यूजियम में और आपको सब कुछ नजर आता है वो अनमेस्ड mm, है मुझे रोम um, बहुत पसंद है ओके हु इज़ योर फेवरेट एक्टर इन नर पाकिस्तान इंडिया में तो आपको बता दिया पाकिस्तान में बहुत से एक्टर्स हैं यार एंड स्पेशली हमारी एक्ट्रेस लाइक सबा हमीद बुषण सारी हिना दिलपीर इतने अच्छे हमारे पास एक्टर्स हैं तलत हुसैन साहब मोइन अख्तर साहब कितने कमाल के और कितने बड़े एक्टर थे उस्मा गिलानी शी इज़ अ लिविंग लेजेंड आई आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हर ऑपोजिट तो बड़े कमाल के एक्टर्स हैं जी हमारे पास माशाल्लाह अखरा अंडरस्कोर नाइक वादी ने मुझसे पूछा और इज़ो फेवरेट डिश आजकल मुझे सैलड्स बड़ी अच्छी लग रही हैं जी मैं मुख्तलिफ़ तरीके की सैलड्स बड़ी अच्छी बनाता हूँ और मुझे वो बड़ी हेल्दी लगती हैं और उसके बाद कोई गिल्ट नहीं होता कि हमने क्या गलत खा लिया ये पूछा था मुझसे सानिया डॉट इशार डॉट फाइव टू एट ने आयजा के साथ फेवरेट ड्रामा इमरान अब्बास इंडियन फैन पेज ने मुझसे पूछा तुम कौन पिया केयर टिप्स मैंने आपको दे दी आके वीरोवन नी शाह फोर फोर टू जीरो ने कहा कि नी डॉट शाह ने कि क्या पॉसिबल है कि मैं आपसे लाइफ में एक बार मिल सकूँ बिल्कुल मुमकिन है क्यों मैं ऐसे आप कौन सा मरीख पे रहता हूँ कुरेशन ड्रेस को सिक्स सेवन ने कहा कि वन ऑफ़ द बेस्ट चार्मफुल डेज और वीक ऑफ शूटिंग इन योर लाइफ एंड विद होम Um, I think the time when I uh, was working for um, Janisar in uh, India with Muzaffar Ali Sab in Lucknow, I think that was the best time of my life because I thoroughly enjoyed his company, his direction, and the environment, and the whole ambience of that city. I really loved every single moment being there, so I think that was the best time of my life um, as an actor. One thing in which you, sh uh, one thing in life, you wish you could change or. Could go back in time to fix something you regret. No, So no I don't have any regrets in my life anymore, and I don't want to go back in time and fix all that mess which I have created. No, it's okay. Aisha underscore WNM pucha. Aisha, I फ्री um, टाइम में क्या करते हैं इमरान अब्बास इंडियन फैन पेज दोबारा ये सवाल अच्छा इंडियन फैन पेज की तरफ से आया um, आजकल मैंने आपको बताया कि आई एम सेलिंग अप माय ओन बिजनेस व्हिच इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट बेसिकली आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर सो आई एम प्लानिंग ऑल दाफ रानी डॉल टू टू थ्री ने कहा कि यू आर माई क्रश प्लीज़ आप शादी कर लो किसी से हैं आपका क्रश और किसी से भी शादी कर लूँ बहुत लिबरल है आपका आपका आपके ख्याल और आपकी सोच आम, अच्छा